see who it is, see what they have to say, and... Hello? Hello? Hi, Jesse. Assalamu alaikum, Sahale. Hey, yeah. Speak of the Umayyad, I heard she is here. Patiya, how are you? Patiya, I don't know this Umayyad, I'm going to fight. बगैर तहकीक के ना किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। फिर आपको कोई बात सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं किया गया। मैंने पूरी जिंदगी ये काम किया है। मैं कौन सी सुनने वाला हूँ। जो भी कॉल करता है उसकी उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। मेरा कैरेक्टर मसला है, ये होता है। हाँ, तो कैसी हैं आप? हेलो, हेलो, हाँ कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल सही हूँ। क्या लेटेस्ट ताज़ा? आपने वो मुल्क चुन लिया था आप जानी? हाँ, कहाँ? आप कह रही थी कि आप शायद किसी और मुल्क चली जाए, तो आपने चुन लिया कि कौन सा मुल्क जाने? अब ये नक्शा देखते हैं सर। हाँ नहीं नहीं, वो तो शादी के बाद जाऊंगी, अभी वही दिसंबर में शादी। अच्छा, मुझे पता है भाई, नया मन बनने क्या वतनी उधर जा रहे नहीं है फसी। एक बात बताऊँ, ये प्री प्लान कॉल करवाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी आंखों से बेच पे कुछ देखा करे ना, तब क्या करेंगे? आपका क्या ख्याल है, किसने ये साजिश की है? ये मोहम्मद अकरम ने कॉल करवाई है, इसकी इस लड़की से बहुत बनी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड गवादर, फोर सिटी, वन फ्रीक्वेंसी, रेडियो वन एफएम 91.1। अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो अच्छा, तो ये अब शक मोहम्मद अकरम पे आ गया? नहीं, शक की बात नहीं है, ये मोहम्मद अकरम ने कॉल करवाई है। अच्छा। और मैंने किसी से पेट पे बिल्कुल भी नहीं लगा है और कुछ भी नहीं किया है, और मुझ पर ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं और बिल्कुल गलत बात है। नहीं, लेकिन मैं जैसे मैंने भी कहा था कि आप इतना सीनियर कॉलर, एक हैसियत और एक मुल्क में एक शोहरत, आप अगर कोई किसी छोटी बात हो तो इनको माफ कर देना चाहिए। नहीं, जब भी पेज पे कोई पोस्ट करती हूँ ना, ये एक महविश और ये मोहम्मद अकरम आके ना सबको भेज भेज के मुझसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। और कहते तुम होती कौन हो, तुम शो में फंसी तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझता, उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर देते हैं और हर्ट करने वाले पोस्ट करते हैं। जो पेरेंट्स की बात है, इतनी गलत और घटिया बात है, मैं सोच भी नहीं सकती कि पेरेंट्स, यानी ये हमदर्दी लेने के लिए। आप सिर्फ हमसायों के खिलाफ बात करती है, लेकिन कभी भी किसी के माँ बाप के बारे में नहीं कर सकती। मैंने ऐसी कोई बात की नहीं है, मैं खुद उसे कह रहा था। मैंने कहा देखो फसी, आप सोच सकते हैं तो वो तो यार आप चले रंग का चलते आप उन लोगों से कहते क्यों नहीं कि हम बगैर सबूत के कोई बात नहीं सुनते। मेरी छुट्टियाँ हैं, ठीक है, मैं पोस्ट कर रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं। इसलिए आपने देखा कि मैंने कितने जोश के साथ डिफेंस किया। मैं कहा जी ईमान, आप नई कॉलर है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इतना सीनियर कॉलर भाई, सीनियर कॉलर के बारे में कोई ऐसी बात कर रहा है? अली गवाह है, पसी भाई अली देख रहे थे, मैं तो पसीने आ गए। मैंने कहा ये क्या बात है, इसकी तो रिकॉर्डिंग भी है, ये ऑडियो भी है। मैं इधर ये ड्रामे देखना चाहे हूँ या शो कर लेना चाहे। मदद करते हैं? नहीं नहीं, मतलब ये ड्रामे उमेमा, लोग आपके कॉलम के पीछे काफी अफसरदे है कि उमेमा आजकल लिख नहीं रही। मैं इसलिए भी नहीं लिख रही क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ना बहुत मुश्किल पढ़ाई है, इसलिए बिल्कुल जाना होता है और बिल्कुल थकी भी आती है, नहीं लिख पाती, टाइम भी मिलता। फिर अभी ये चले जाएगा, फिर वो अक्रम सफेद आ जाएगा, और फिर फिर हम लोग इसी को सुनेगा। इन लोगों की मसाइल नहीं खराब होती। पसी मेरी बात सुने, मैं जब भी कॉल करती हूँ मैं सिर्फ अपनी फैमिली की बातें करती हूँ, बेशक उन्हें भी सर्च कराती हूँ, की बात नहीं करती हूँ। तो दूसरों को भी चाहिए कि मेरा नाम शो में यूज नहीं किया गलत भाई। मैं बुढ़ा हो जाऊंगा लेकिन आपको सोचा मिसाइल खत्म नहीं हो रही। ये मैं खुली हो गई, नहीं ये उमैमा नहीं हो गई, जरदारी हो गई। हर जगह देखे उमैमा, जरदारी की जगह जुम्मे
किसी के गाय मर जाए इसका हाथ था इसमें, ये आज के लिए पानी ठीक नहीं आ रहा, ये होता है। नहीं मतलब रो रहे तो मेहमान, हंस रहे तो मेहमान नहीं हो गई, पता नहीं क्या। लेकिन ये आपको पता है ना, बड़े लोगों के साथ यही मसला हो जाता है ना, आप मुझे बड़ा नहीं बनना। आप क्या करें, अब आप हो गई है, आपकी जो परफॉर्मेंस और एक यू नो मुल्क में देखा कि कहां से एक कॉल से आप सुपरस्टार हो गए सब। लेकिन पति, लेकिन जो दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं ना, अल्लाह ताला हमको बहुत गुनाह देते हैं, सोच समझ के बात करनी चाहिए। मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है इस लड़की को, मैं जानती तक नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गई है। आप नीचे के फोन चेक करें इसके फोन पे, तो ये बड़ा लव नहीं है, अफीम न पेड़ है। बता छोड़े, आप ये बताएं कि आप कालिम की तरफ फिर कब आएगी? जानवर चौधरी मिल जाए आपको, अगर मेरे बात को और मेहमान अगर कुछ मुझे हो जाए तो कौन मेरा काम आएगी? लेकिन उनके कॉलम कहते कोई तो मेरे बेटे हैं, नहीं मैं उनके कॉलम पढ़ती रहती हूँ, बहुत अच्छे लिखते हैं वो, बहुत ज्यादा। मैं उनको ये बताऊंगा, वो बहुत खुश होंगे। जी नहीं, अपनी तरफ से बस। नहीं पूछा था, सुना था कि सारा अखबार आपकी वजह से चला। ये लिखना लिखाना ना हमारे खानदान में है। मैंने आपको पहले तो बताया था कि एक साथ लखानी है, और ट्रिब्यून और चार्जनर जाते हैं लखानी, मतलब तब मतलब है मेरे मामू है वो राइटर है। तो अब मैं तो कोशिश नाम चुमा इसका नाना जो है वो गीली तहवीर लिखती थी। तो मतलब ये हुआ कि मैंने ऐसे ही बैठे बैठे, ये लोग गली मशीन है। तो मैंने ऐसे ही शोहरत के नशे पे आर्टिकल लिख लिया था और बस आगे पहुंचा दिया था, तो सिफारत में छप गया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है, छप गया तो मतलब फर्स्ट टाइम किया था तो छप गया। जावेद चौधरी ने कहा मुझे कि एक लिखा लेकिन अच्छा लिखा। थोड़ा और दूसरा बड़ी गोल की करते हैं। नहीं मैं देखिए, मैं तो सिर्फ लोगों की ख्वाहिश आपको पहुंचा रहा हूँ, इसमें मैं तो सिर्फ कौम की खिदमत और वो देखता रहता हूँ। लेकिन नहीं, बसी भाई जो है वो बेइज्जती नहीं करते, वो जावेद भाई का कहानी हो आपको सुनाते हो। हाँ, उसका मुंह पर। हाँ तो हाँ, वो बस माशरे के हालात ही बता रहे होते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। उसने बहुत सफा सफा उसने मुझे सच बताया कि मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखता हूँ फिर कॉलम लिखता हूँ। मैं ये पूछ रही थी, भूल गई मैं क्या पूछ रही थी, जहन से। लेकिन ये जब भी आपको मौका मिले प्लीज जसारत के लिए फिर लिखना शुरू करें। हाँ जसारत के ही मैं कहती, जसारत कराची का न्यूज पेपर है, बिल्कुल बहुत मशहूर है, मशहूर है यहाँ का, मशहूर नहीं है लोग कहते हैं। अब कुछ नए नए जो है वो बेशारत के लिए मेरी लिए अच्छा तहमीम आप कैसे हैं? अपना पोएट्री वहाँ भेज देना बेशारत। नहीं तहमीम आप कैसे हैं? तहमीम भी ऑनलाइन है ना, मतलब ऑनलाइन है। आपको तो पता है ये प्रोग्राम का मैार तो यही पकड़ के बैठा।
अच्छा ठीक है। खैर बहरहाल मैं ये कह रही थी मेरी छुट्टियाँ क्या हो गई, पेट पे दलदला आ गया, पता नहीं सबको क्या मैं पोस्ट कर देती। लोगों को पता लग गया कि आप आ गई हैं तो बस बैठते रहते हैं वो। अच्छा बस उम्र दिमाग ना काफी जाओ। अच्छा बस बहरहाल ये लड़ाई झगड़े छोड़े, गलत बात है मेरी भी, अब आज से यूनिवर्सिटी ऑन हो गई है, आज मेरा पहला दिन था न्यू सेमेस्टर का, तो बस अब ये लोग सुकून से रहे, कोई मसला नहीं। अब पुराने पेमेंट्स कब क्लियर करोगी? मैं फेल थोड़ी होती हूँ, मैं फेल नहीं हुई आज तक कभी, और आज मेरा रिजल्ट भी आ गया लगा हुआ था तो मैंने देखा। फेल नहीं हो तो मैं एब्सेंट होता तो बस मेरी बस दुआ कीजिएगा। ठीक है जरूर, ठीक है ओके ओके थैंक यू मेमा। ओके ये तो प्रोग्राम की शान उमेमा। एंड नाउ वी गोइंग टू गो इनटू अ ब्रेक, वी विल बी बैक सून। रिमेंबर यू कैन कॉल अस एट 051-111-111-191, यू कैन जॉइन अस ऑन फेसबुक ऑन फसीजा का ऑफिशियल, दैट्स आवर फैन पेज, एंड यू कैन एसएमएस अस एट 91